मैं हेमंत कुमार आपको स्वागत करता हूँ विनोद कुमार ब्लॉग को। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट दीजिए। पहले इसीलिए बोल दे रहा हूँ कि बीच में कि बोलना ना पड़े, टोकना ना पड़े। अभी जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये जो पेड़ है 120 साल पॉइंट फाइव साल पुराना पेड़ है। अभी मैं ऐसे करूँगा चीज़ कि पेड़ के ऊपर से पत्ता गिरेगा, टाँव। ये सब पत्ता जो है ऐसे करने से पत्ता गिरता है, ऐसे अनोखा चीज़ आज दिखाएंगे। आज मिस्टर सोनू के पास जाएंगे, वो 130 साल आसपास उसका उम्र होगा, देखने में कितनी छोटा बच्चा जैसा है। उसके पास जाएंगे, एक अनोखा चीज़ दिखाएंगे। देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चले चलते हैं। अभी हम वो गांव आके पहुंच चुके हैं मिस्टर सोनू के घर, जो अनोखा चीज़ हम दिखाने वाले हैं। चलो भैया के पास चलते हैं, बहुत पुराना लड़का है लेकिन दिखने में बच्चा जैसा है, चल चलते हैं। भैया हम आपके पास आ गए हैं, क्या चीज़ आज दिखाने वाले थे? ये अच्छी गोटे पेंडुला सेटा को छुई देला माने प्रबल पिंपुड़ी भारी है। हाँ, केमी कौन केमती होगी आप देखने जापरेंगे। भैया जो बोले हैं एक पिंडुला जैसा है, बहुत पुराना, 6000 साल पुराना है। उसको टच करने से छोटा छोटा सब क्या निकलता है आप देखिए, मैं बोलूँगा नहीं। चलो चलते हैं, भैया को बोलते हैं छूने के लिए। ये जो देख रहे हैं एक पिंडुला, ये 6000 साल पुराना है। जैसे ही आप टच करते हैं पिंपुड़ी देखिए कितना ज़ोर से निकल रहा है साहब। ये अगर काट ले, ये चिट्ठी काट लेता है तो आदमी एकदम से ख़त्म हो जाता है। ख़त्म यानी उसका हाथ पैर चलता ही नहीं, पैरालिसिस हो जाता है। इतना पुराना चीज़ इनके बगीचे में है, ये ढूंढना भी बहुत एक अनोखा बात है। फिर भी हम लोग आए हैं। ये पिंडुला को बोलते हैं टिंगलू पिंडला। ये 6000 साल पुराना टिंगलू पिंडला है। यहाँ से चींटी सब निकलते हैं, ऐसा ही चीज़ और एक दिखाएंगे पुराना चीज़। चलो बने रहिए, एक टाइम होता हम काटो फोटो।